आखिरी दिन है, शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर और आखिरी दिन है तो एसएमएस लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम जो दिग्गज चेहरे आज मैदान में नजर आएंगे और धुआंधार प्रचार का जो आज सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। रैलियों का रेला आज लगने वाला है। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है और तमाम उत्तर प्रदेश के सीट जिन पर लगातार नजर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार आज कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा करेंगे सीएम। बिहार के बेगूसराय में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। सीएम की रैली को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम चीजों को दुरुस्त यहां पर किया गया है, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की वो अपील करते हुए नजर आएंगे। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता नीरज श्रीवास्तव कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए जिस तरीके से आज धुआंधार चुनाव का जो प्रचार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है चौथे चरण के मतदान को लेकर कि आज जो प्रचार का शोर है वो शाम थम जाएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्नौज दौरा है, दौरे को लेकर के अपडेट दीजिएगा, क्या कुछ कार्यक्रम आज? कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के स्थान पर आए योगी आदित्यनाथ का जो जनसभा है और वहां आकर के वो सपा के गढ़ में जबरदस्त तरीके से गरजेंगे। और ये भी बताते चले कि कल अखिलेश यादव भी यहां पर कन्नौज में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ताजा रैली हुई थी और आज फिर अखिलेश यादव जो चुनाव विधानसभा है वहां पर भी जनसभा करेंगे और साथ में बिधुरा क्षेत्र में जो है वो रोड शो भी करेंगे। तो जबरदस्त तरीके से आज क्योंकि चुनाव प्रचार आज थम जाएगा तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो इस वजह से जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो दोनों पूरी तरीके से काफी झुक रही है, चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और क्योंकि अखिलेश यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी भी है तो इस वजह से वो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सभी लोग इस समय यहाँ पर हैं और चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, और सियासी गढ़ के रूप में भी कन्नौज के रखा है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल।